विकास, अरे विकास विकास को हथेली पे थोड़ी रखा है, हैं? ये सड़क तो बनी नहीं पाता। बताइए बताइए बताइए, ये सड़क तो एक टाइम राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी ने 70 साल में काम ही नहीं किया। देश यहाँ पे वैसे आके खड़ा हो गया। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। मैं बताऊं, नितिन गडकरी, जो बीजेपी के जो कार्यालय है उनमें जरूर विकास हुआ है। आप यमुनापुरम में जो कार्यालय बना है उसको जाकर देखिए, साले में मक्खी उस पर मक्खी पड़ती है, कहीं विकास नहीं हुआ। कार्यालय का खूब विकास हुआ है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी ने 5 साल में हमारा देश यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, तो जो कांग्रेस है पिछले 55-60 साल से जो काम कर रही है उसने कुछ कराई नहीं है। अरे सुनो सर, चोरी की मैं बताता हूँ आपको, हमारे देश में सुनो, मोदी जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस बार मोदी जी पर कोई मुद्दा ही नहीं है भ्रष्टाचार, तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? भ्रष्टाचार 2% बढ़ गया है। हमको लगा कि नौकरी मिल रही है, 5 साल में केंद्र की एक नौकरी पास हुई है। भाई युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो युवा के लिए। अरे कुछ नहीं है, टॉप 5 में वो कर्ज लेके हो गया है। देश पे 17% कर्ज बढ़ा है, मैं आपको बता दूं। अरे कर्ज विश्व बैंक से कर्ज ले रहे हैं हम, सिर्फ रात दिन हम। अरे मैं बता रहा हूँ हमारा जो डॉलर था वो 42 पे, वो 62 पे था, आज 72 पे काम कर रहा है। वो क्या कर सकते हैं, देश पे डेली कर्ज बढ़ रहा है। अरे मैं मान रहा हूँ मोदी ने बोलू खड़ो करो तो वो ना जीते, बोला ना जीते कांग्रेस को। क्या नाम आपका? शेर सिंह। शेर सिंह जी, किसको जाने चाहोगे आप इस बार? ऊपर को तो क्या, मोदी जी को कहेंगे वोट तो हम करोगे। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा। आपके लिए क्या करा मोदी जी ने? हमारे लिए बहुत कुछ करा। क्या करा कुछ बताते दीजिए, आपको क्या दिया मोदी जी ने? हमारी एजेंटी बंद हो गई, हमारी तेबाजारी बंद हो गई, सब कुछ बंद होगा उनके जमाने में। उनके जमाने में सब कुछ बंद हो गया। बहुत कुछ, बहुत बढ़िया। किसको पसंद करना चाहोगे? पसंद तो साहब बेसिक, जो भी मेंबर जो आता है किसी की वापसी में खबर लेते हैं ना, जीत के सब चले जाए, वोट मांगने के लिए सब कुछ आती। इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार भी लोग आ जाते हैं? इस बार जो लोग नेता जो आ रहे हैं, आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे पर खड़े उतर पाएंगे या अभी भी वादे पे तो कोई भी खड़े उतरे? आज बात है, जब चले जाते हैं वादे पे कौन देखता है? किसको वोट देना पसंद करोगे? वोट तो ये मोदी जी कर रहे हैं, मोदी फिर गरीब आदमी कौन देखता है? क्या है कि जी भाई साहब, आज गैस लेने के लिए जाना है और वो सुबह से शाम तक गैस की लाइन में लगा हुआ है। आज आप देखिए घर घर में गैस आ रही है, वे सब्सिडी आ रही है और लोगों के अकाउंट में सब्सिडी आ रही है। या करप्शन की आप बात करें, करप्शन आज की डेट में व्यापारियों के सिलेंडर पे तो 73 रुपए रात और बढ़ा दिए गए। वो बढ़ना पहले भी था, पहले आदमी वैसे दे रहा था ब्लैक में, लाइन में भी लगता था और ब्लैक में भी पैसा देता था, आज उसे घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है। दूसरी मैं जानना चाहता हूँ, लोग जो हैं व्यापारी वर्ग जो है मोदी जी के साथ है, आखिर अकेले, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ नेशनल पार्टी के हिसाब से प्रधानमंत्री की लिस्ट में तो दो ही पार्टियाँ बड़ी, कांग्रेस या भाजपा। तो आप लोग कांग्रेस के अंदर से क्या कमी है? एक्चुअली कांग्रेस के टाइम में हमेशा करप्शन बहुत ज़्यादा रहा, व्यापारियों के साथ लूटपाट या वो चीज़ और करप्शन है, बेईमानी है, घूसखोरी है, वो बहुत चरम सीमा पर थी, जो अब की बार ऐसा नहीं कह सकते कि खत्म हो गई। लेकिन मतलब उसके पहले 60 सालों से जो कांग्रेस का राज चल रहा था तो उसमें जो है देश सुरक्षित नहीं था। हाँ, नेताओं की जेब ज़्यादा भर रही थी। आज वो ये है कि व्यापारी का पैसा व्यापारी के पास है, थोड़ा सा घूसखोरी है या कहना चाहिए करप्शन है, वो कम होता जा रहा है। पहली बात तो मैं छोटे भाई की बात बता दूँ, 18 साल की आयु के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, किसानों का ऋण माफ कांग्रेस ने किया। अभी बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं, गरीब आदमी है, सारे मजदूर आदमी है, एक लहर होती है, एक आदमी का जोश होता है, किसी को भी कह सकता है आजाद है। वास्तविकता यह है कि जो मैनोफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है और जो मैनोफेस्टो कांग्रेस का पहले से है, उस मैनोफेस्टो के सामने सारे मैनोफेस्टो बेकार है। लेकिन भाजपा तो कहती है कांग्रेस ने आज तक कुछ दिया ही नहीं देश आजाद होने के बाद। आप उनसे ये पूछिए भाजपा से कि आपने 5 साल के अंदर सब कुछ दे दिया, ये जितने लड़ाकू विमान है किसकी देन है? जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश के अंदर जो है आज क्या नाम है, वो चोर साबित करो। चोर तो सबसे बड़ा मोदी है। अरे पत्थरों पर बम बरसाने का नाम अगर क्या नाम है युद्ध है तो सबसे बड़ा दोषी मोदी है। तो विकास क्या नहीं, आगे क्या लगता है भाई? पहले कौन से आपको जो है लंदन घुमा लाए? पहले भी हम लोग बुलंदशहर में रह रहे थे और बेटर ही है, उससे हालात बुरे नहीं हुए इन 5 साल में, सब चीज़ बेहतर ही है। आप नोटिस करेंगे अगर आप पॉजिटिव में जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आपका मतलब है कि नेता बुलंदशहर में कोई भी सांसद है विकास कोई नहीं कराता?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, आपका मतलब है कि हमारा जो है आपका व्यापारी वर्ग का जो रुझान है वो मोदी जी की तरफ जा रहा है? बिल्कुल 100%। इनका जो है किस तरफ रुझान जा रहा है इस बार? देखिए, व्यापारी वर्ग शुरू से ही बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है और आज भी वो व्यापारी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, मोदी जी को वोट करेगा। बीच में तो व्यापारी वर्ग ने मोदी जी के खिलाफ काफी आंदोलन करे थे। एक नया रिजाइम आया GST, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो व्यापारी को ठीक समय नहीं लगे, उनमें धीरे धीरे संशोधन हो गया, व्यापारी की समस्याएं कुछ कम हो गई। आज व्यापारी खुश है, जो कुछ समाधान थे वो धीरे धीरे, कोई नई चीज़ आती है उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ख़राब था, पर उसको समझने में थोड़ा समय लगा। सरकार ने भी उसमें हमारी दिक्कतों को देखते हुए उसमें समाधान कर दिए, उसको काफ़ी कुछ ठीक कर दिया, तो आज व्यापारी उससे संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष गर्ग। आशीष जी, आपका व्यापारिक वर्ग से आप जुड़े हैं, आप व्यापार करते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आपका रुझान किसकी तरफ जा रहा है इस बार बुलंदशहर में? पूरे व्यापारी वर्ग का रुझान ही मोदी जी की तरफ है। मोदी जी की तरफ, व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बेस्ट मोदी जी है। बैंक जाना खत्म करा दिया मोदी जी ने, कैश जमा करना खत्म करा दिया, सब चेक सिस्टम करा दिया, व्यापारी वर्ग को सबसे ज्यादा सुविधा इस बात की मिली है। तो जनता कहना को कोई विकास नहीं कराया, तो आप कैसे बता रहे कि भैया? सही बात तो है, कोई विकास नहीं कर रहा, सबको अपना काम अपने आप ही करना है, जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो व्यापारी वर्ग का कहना है कुछ लोगों का, मोदी जी ने जो है बहुत सारा बजट हम पर डाल दिया, नो जैसे कितना भी बजट डाल दो, नोटबंदी जैसे मुद्दे, देखो प्रॉब्लम तो आएंगी, कोई चीज़ नहीं करने के लिए प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन फिर भी वोट मोदी जी को ही देंगे, वो नया भारत तैयार करेंगे, नया कुछ करेंगे। आपको लगता है 5 सालों में मोदी जी ने भारत में बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा, बहुत कुछ कर दिया।